नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्कशॉप। बीके ब्रजमोहन ने किया स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। महाराष्ट्र के जलगांव में बनेगा दिव्य प्रकाश सरोवर ट्रेनिंग सेंटर। बीके मृत्युंजय ने अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया भूमि पूजन। मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में आएगी रफ्तार। नेपाल के वीरगंज में बनकर तैयार हुआ सुख शांति भवन। नेपाल के निदेशक अभी के राज ने किया उद्घाटन। शहर के कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। और ब्रह्म कुमारी यूएन द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज ब्रीथ पीस के अंतर्गत ऑनलाइन इवेंट। क्रिसमस हॉलीडेज को मनाने का एक नया अंदाज। बीके गायत्री समेत शामिल हुई कई नामचीन हस्तियां। अब खबरें विस्तार से। मुंबई के विराज ग्रुप ऑफ कंपनी के सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आज के तनाव और दुविधा भरी जिंदगी में अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यह वर्कशॉप आयोजित थी, जिसमें मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट समेत कई सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स शामिल हुए। वर्कशॉप में भाग लेने आए प्रतिभागियों का स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन ने किया और उनके साथ मंच पर मुंबई विले पार्ले की वरिष्ठ राज्यक शिक्षिका बीके दीपा, मुंबई के मोटिवेशनल ट्रेनर प्रोफेसर ईवी गिरिश भी मौजूद थे। मैं भी ट्रूथ हूं, सोल, मेरा पिता गॉड भी ट्रूथ है और जहां मैं जिस पर लोक से आया हूं वो भी एटर्नल है और ये सृष्टि नाटक भी एटर्नल है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, बट दिस इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्म कुमारीज। ठीक है, विराज ग्रुप ऑफ कंपनी के सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मुंबई में विले पार्ले सेवा केंद्र द्वारा पहले भी कई वर्कशॉप्स आयोजित की गई हैं, जिसका कई लोगों ने अनुभव सुनाया और अपने जिज्ञासा भरे सवाल भी पूछे। आज साइंस ने अपने पर हावी हो गया है, मोबाइल हावी हो गया, टीवी हावी हो गया, सब हो गया। साइंस के ऊपर यदि हावी होना है तो अपने को आत्मशक्ति बढ़ाना पड़ेगा और वो आत्मशक्ति बढ़ाने का ज्ञान जो है उस ज्ञान से मिलेगा। आज मॉर्निंग में पिरामिड में जाके ध्यान किया तो ध्यान बहुत अच्छे से लगा और डिफरेंट कलर्स का लाइट आ रहा था, मतलब आंखें बंद थी, ध्यान कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा वो पिरामिड में ध्यान करके। तो ऐसा क्या पिरामिड में खास था जो ध्यान बहुत अच्छे से लगा, जल्दी लग गया, मन भटका नहीं हमारा। आपको बता दें कि विराज ग्रुप ऑफ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कोचर का पिछले मास ही ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आना हुआ था। उस दौरान उन्होंने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि मैं अपनी कंपनी के वर्किंग प्रोफेशनल्स को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में भेजूंगा। शक्ति तो इधर आ नहीं सकती, वो 10,000 इधर आ नहीं सकते, पर मैंने यहाँ से प्रेरणा ली है कि यहाँ की कुछ अच्छी चीजें ले जाकर वहाँ पे आप करें, जिसके कारण वो 10,000 जो है वो भी हमारी फैमिली के मेंबर बन जाए। महाराष्ट्र के जलगांव में बनने जा रहे दिव्य प्रकाश सरोवर ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, जलगांव सब जोन की प्रभारी बीके मीनाक्षी समेत कई वरिष्ठ बीके सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित समारोह में बीके मृत्युंजय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना में तेजी आएगी। आगे बीके मीनाक्षी, वरिष्ठ पत्रकार सोमनाथ वडनेरे समेत कई अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। जलगांव एक नया झलक दिखा करके, एक नया रूप रंग दिखा करके, नया सोने का नगरी सचमुच बनाने के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम सब बहुत 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 बधाई। इस दिव्य प्रकाश सरोवर ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण दो चरणों में पूरा होगा, जिसके प्रथम चरण में बड़ा ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, मेडिटेशन हॉल, शिव बाबा का भंडारा, आवासीय व्यवस्था, म्यूजियम और क्लिनिक का निर्माण होगा, जिसे पूरा करने का लक्ष्य जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक रखा गया है। ये बेहद खुशी हो रही है और हमारे शांताराम भाई, पार्वती दीदी, हमारी दादियाँ, वरिष्ठ और हमारे रमेश भाई को भी याद करूंगी, क्योंकि रमेश भाई ने कहा था कि एक दिन तुम्हारा
जलगांव क्या करेगा, सबको जल पिलाएगा बोले। कौन सा जल? ज्ञान जल जो है वो जरूर पिलाएगा। बाबा ने ये वरदान किया था कि जलवा दिखाएगा, ये जलगांव लाइट हाउस बनेगा। ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल के वीरगंज में नव निर्मित सुख शांति भवन का शुभारंभ नेपाल की निदेशिका बीके राज, वरिष्ठ समाज सेवी भरत प्रसाद गुप्ता, नेपाल की सह प्रभारी बीके किरण, वीरगंज के प्रभारी बीके रवीना समेत पूरे नेपाल के वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति में शिव ध्वज फहराकर हुआ। इसके पश्चात आयोजित विशाल कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक डांस के द्वारा हुआ। आगे अतिथियों और बीके सदस्यों ने सेवा केंद्र द्वारा ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उड़ीसा के अस्का में स्थानीय सेवा केंद्र शांति शक्ति भवन द्वारा 3 दिवसीय हेल्थ कैंप खुशियों का सुपर बाजार लगाया गया, जिसका लाभ लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस हेल्थ कैंप के दौरान विधायक मंजुला स्वेन, बार काउंसिल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पात्रो, पूर्व विधायक देवराज मोहंती, डीआरडीओ के जूनियर साइंटिस्ट बी के पुरुषोत्तम चौधरी समेत शहर की कई नामचीन हस्तियों का आना हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बी के पुरुषोत्तम ने लोगों को चिंताओं से मुक्त रहने के कई कारगर उपाय बताए, तो वहीं बी के प्रिया ने क्रोध और तनाव से उभरने का तरीका सिखाया। यूपी के छपरौली शहर में गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल और रजाई वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम छपरौली व्यापार मंडल एसोसिएशन और ब्रह्म कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र के सहयोग से आयोजित था, जिसमें 250 से भी अधिक लोगों को कंबल और रजाई प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन संजीव खोकर, व्यापार मंडल एसोसिएशन के चेयरमैन प्रमोद जैन, छज्जूपुरा सेवा केंद्र की प्रभारी बी के लक्ष्मी, छपरौली सेवा केंद्र प्रभारी बी के बिना मुख्य रूप से मौजूद थी। ऐसे ही राजकोट के रणछोड़ नगर सेवा केंद्र पर निशुल्क सर्व रोग निदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 100 से भी अधिक लोगों की जांच के साथ चिकित्सकों ने उन्हें उचित सलाह देते हुए होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान की। इस शिविर के दौरान अवधपुरी सेवा केंद्र के प्रभारी बी के रेखा, रणछोड़ नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बी के शीतल, डॉक्टर मयूरी मुख्य रूप से उपस्थित थी। शिविर में लाभ लेने आए लोगों को मिट्टी का महत्व बताते हुए उनके संरक्षण के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मौका विश्व मृदा दिवस का था। मध्य प्रदेश के रीवा और कर्नाटक के बेलगावी में विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुए। पहले देखते हैं रीवा की खबर, जहां तालाब की स्वच्छता के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था के सदस्यों समेत पुलिस के जवान, छोटे बच्चों और शहर के कई समाज सेवियों ने श्रमदान किया। ऐसे ही बेलगावी के चिकोड़ी सेवा केंद्र पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मंजुनाथ, अनुपमा महाजन, ग्रामीण बैंक के मैनेजर राहुल मोरे, सेवा केंद्र प्रभारी बी के शांता, बी के मंजुनाथ की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ, जिसमें अतिथियों ने मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के तथ्यों के आधार पर कई उपाय बताए, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सभी को जागरूक किया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दिसंबर मास यानी क्रिसमस की हॉलीडेज का समय, इन्हीं हॉलीडेज को कुछ अलग अंदाज में मनाने के लिए ब्रह्म कुमारीज यूएन द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन सीरीज ब्रीथ पीस के अंतर्गत एक ऑनलाइन इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें यूएन में ब्रह्म कुमारीज के सीनियर राजयोग टीचर बी के गायत्री, बी के सविता समेत कई दिग्गज लोग शामिल हुए। I must say, Anaga, your meditation was really, really heart moving. And I thought, why didn't she just do the heart piece and leave the first piece out and just take us into the heart and let us delve more into the heart? Because as you know, humanity's heart is broken into so many pieces because of so much that has happened over the last 2 years. So taking us into these deep meditations really helped to heal. हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें, और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।